आज हम बनाएंगे बेसन की एक नई रेसिपी जो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन हम इसे बहुत झटपट और एकदम कम सामग्री से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल बेसन ले लिया है, एक मिक्सिंग बाउल में मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। तो यहाँ मैंने नमक डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका एक लम्स फ्री पतला सा घोल बनाना है। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। एक बार में आप पानी ना डालें वरना ये बहुत पतली हो जाएगी। तो हमें क्या करना है ना, ऐसे धीरे धीरे पानी डालते डालते इसका एक लम्स फ्री घोल तैयार करना है। तो चलिए हम इसका घोल अच्छे से बना लेते हैं। अगर आपके पास ये विस्कर नहीं है तो आप किसी भी चम्मच से भी फेंट के ये घोल बना सकते हैं। तो इसका टेक्सचर कैसा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसका टेक्सचर आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएं, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अच्छे से घोल को बना लेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से घोल बना लिया है। अभी हमें क्या करना है ना, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें कोई दूसरा फ्लेवर भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर से इस रेसिपी में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो अभी ये देखिए घोल बन गया, तो मैं दिखा रही हूँ ये इतना ही रनी होना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे ही टेक्स्चर का बनाएं। तो जैसे ये चम्मच से लें और देखिए एक सार में गिर जा रहा है, तो ये इसकी पहचान है। तो आप ऐसे ही बनाएं। तो हमारा घोल यहाँ रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो चलिए हम इसे के आगे की प्रोसेस करते हैं। तो हमने क्या किया ना, ये घोल हमारा रेडी हो गया। तो हम लेंगे एक छोटा सा ग्लास, तो इस ग्लास में आप इस घोल को डाल दे अच्छे से। तो ये बेसन का घोल हम डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत कम सामग्री से बनती है और यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये घोल हमने ग्लास में ले लिया है। अब आपके पास ये जो कद्दू घिसने वाला है ना, कद्दूकस, ये छोटी हो या बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, और नहीं तो ये छनौता बोलते हैं ना हम लोग, तो ये छनौता ले सकते हैं। आपके उधर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये ले लिया है। यहाँ मैंने पहले से तेल गर्म कर लिया है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से भी इस रेसिपी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, बेसन के घोल को ऐसे धीरे धीरे गर्म तेल में इस तरह से डालूँगी और धीरे धीरे हमें इसे घुमाते जाना है। तो बस ये इस तरीके से ना गिरता जाएगा। तो आप इस तरीके से करते जाएँ और ये बूंदियाँ इसमें बनती चली जाएँगी। तो ये देखिए आप ऐसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से घुमाएं, और बाद में मैं आपको वो जो छनौता था ना उसमें भी मैं करके दिखाऊंगी कि उसमें भी कितना अच्छा होता है। तो आपके पास कोई भी हो ये कद्दूकस या छनौता, आपको जिससे भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना है ना, एक दो मिनट तक ऐसे पकने देना है, उसके बाद इसे उलटना है। एक दो मिनट आप हाई फ्लेम में इसको सिकने दें। तो फिर हम इसे क्या करेंगे ना, इस तरीके से हल्के हाथों से पलटेंगे। तो इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7-8 मिनट में ये फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ फ्राई हो गई है। तो हम इसे पलट पलट के फ्राई किया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम ऐसे जल्दी जल्दी सबको निकाल लेंगे। इसे सुनहला नहीं करना है, बस ये फ्राई हो जाए। तो अभी मैं छनौता से भी आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से हो जाएगा, और इससे तो इसका सेप बहुत अच्छा आएगा। तो आप देखिए इसका घोल मैं इसमें डाल रही हूँ और इस तरीके से आपको घुमाते चले जाना। देखिए गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल बूंदी आ रही है ना हमारी। तो इस तरीके से आप डालते जाएं। तो इसे भी आप उसी तरीके से फ्राई करके निकाल लें। तो दोनों ही तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। तो अभी चलते हैं। तो देखिए मेरा सारा बूंदी बन चुका है और एकदम क्रिस्पी है। तो आप इसे ठंडा कर लें, हमें इसे बिल्कुल ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद ना हमें इसका एक दरदरा सा तैयार करना है मिश्रण। मतलब आप इसको ना फाइन बारीक चूर्ण ना बनाएं, बिल्कुल दरदरा सा पीसे, पल्स मोड में से पीसना है। तो हम इसको डाल लेंगे मिक्सर जार में, आपका जितना आ सके उसमें आप उतना डाल लीजिए। तो यहाँ मैंने बड़ा वाला लिया है तो सारा ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ डाल लूँगी और इसे दरदरा सा पीसूँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैं धीरे धीरे सारों को डाल लूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कीजिए। आज ये रेसिपी बनाने के बाद आपको बाज़ार से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे इजीली बना लेंगे। तो इसे मैं पल्स मोड में दरदरा सा पीस लूँगी। तो आप ऐसे मिक्सी बंद करें चलाए, इस तरीके से पीसना है। तो इसका क्या होगा ना, दरदरा सा, देखिए दरदरा सा ये एक टेक्स्चर आ गया ना, ये बिल्कुल फाइन जो बारीक चूर्ण होता है वो नहीं है। तो हम इसे प्लेट में डाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा, ये देखिए कुटा हुआ कैसा है, मतलब दरदरा नहीं है, मोटा ही है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसे हम साइड रखते हैं, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने चूल्हे में एक पैन रख लिया है। अब आपको डालनी है यहाँ चीनी।
जितना हमने बेसन लिया था ना उसका आधा चीनी लेना है। जैसे कि आपने 2 चम्मच बेसन लिया तो 1 चम्मच चीनी लेना है, और चीनी के आधा पानी, जैसे आधी कटोरी चीनी लिया तो उसका आधा पानी, इतना ही। अब हमें चीनी को यहाँ घुलने के लिए देना है, तो इस तरह से चला चला के हमें इसे घुलाना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी, मतलब एक बस चिपचिपाहट आने तक इसे पकाना है चीनी को। चीनी अच्छे से घुल जाए, और इस समय मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी मैं, देखिए इस तरीके से, बस चिपचिपी होनी चाहिए। तो इस टाइम पे मैं फूड कलर ले रही हूँ, और इसे मैंने पानी में घोल लिया है। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी रेसिपी पीले रंग की बनेगी। मैंने यहाँ ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है, तो मेरी रेसिपी ऑरेंज कलर की बनेगी, बस इतना ही। तो अभी मैं इनको डाल दूँगी, ये जो बेसन का बूंदी का चूर्ण था ना, सबको डाल दूँगी, और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना। तो मैंने देखिए सारों को अच्छे से डाल लिया है, अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे इस तरीके से। तो आप इसे धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स करें, मिक्स करके हमें ज़्यादा देर इसमें टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में ये इस तरीके का हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको इतना करना है कि इस तरीके से सारा जो मॉइस्चर है चीनी का ऑब्जर्व कर ले। तो यहाँ मैं मेलन सीड डाल रही हूँ, मतलब तरबूज खरबूज का जो बीज होता है ना वो, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बारीक कतरन उसकी, ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट के। तो अभी हमें यहाँ पे 5 मिनट तक ढकना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आप ढकें। यहाँ पर छेद को मैं लॉन्ग से बंद कर रही हूँ ताकि स्टीम अंदर ही रहे। तो 5 मिनट हो गया है, बेसन की बूंदी का जो चूर्ण था उसमें अच्छे से चाशनी ने सोख लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी अच्छे से। तो ये मैंने देखिए निकाल लिया, अभी हमें इसकी बनानी है लड्डू। जी हाँ, मोतीचूर के लड्डू, जो कि मार्केट में आप कितनी महंगी खरीदते हैं फिर भी उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन यकीन मानिए इसे आप बना के ट्राई कीजिए, बहुत इजीली बन जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये होममेड भी है ना, तो बहुत अच्छा रहता है ना घर का खाना, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें एक बार, देखिए कितनी आसानी से हमारी ये महंगी रेसिपी बन के तैयार हो गई। और इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है, लड्डू बांधने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ऐसे लें, और दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे बस करना है आपको, और इस तरीके से आप इसे बना लें। तो इस तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी धीरे धीरे करके। और इसमें तेल रहता है, तो हाथ में तेल या पानी कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ गोल मैंने कर लिया, इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप इसमें लगा के सजा सकते हैं, और वो जो लड्डू के नीचे जो रहता है ना कप, वो भी आप इसके नीचे रख सकते हो, तो ये एकदम दुकान जैसा लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ मैं तोड़ के दिखा रही हूँ उसके अंदर का टेक्सचर भी, आप ये लड्डू बनाकर ज़रूर इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।